everyone, this is Shilpa and welcome back to my channel Chirpy Shilps. If you're new to my channel, please make sure you like, share and subscribe to my channel. Before I start with this video, I just want to tell you guys, so I have started something new. Yes, do you want to know? Okay guys, I've started the Instagram page jahan pe I'm actually selling the sarees. It can be Bollywood replicas and designers, suits, lehengas and a lot of variety in accessories also you can see on my page. Page ka description and link jo hai main description box mein chhod dungi and you will also see the link on the screen right now. And guys, please make sure aap mere is page ko follow zarur kare and definitely agar aapko collection acha lagta hai to please DM me on Instagram and I will connect with you over WhatsApp or phone. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉक्सी आई मेकअप ट्यूटोरियल. यस गाइस, ये आजकल का रीसेंट ट्रेंड है जो काफी टाइम से आई थिंक ट्रेंड में है एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू. बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि फॉक्सी आई मेकअप ट्यूटोरियल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होता क्या है. सो फॉक्सी आई मेकअप इज अ काइंड ऑफ अ मेकअप जो आपकी आईज को एक नेचुरल अपलिफ्टमेंट देता है. स्पेशली ये लुक उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी बहुत छोटी आईज हैं या फिर यू नो ड्रूपी आईज हैं. ये जो स्किन है यहाँ पे बहुत सैगी रहती है एंड दे वॉन्ट एक अपलिफ्टमेंट. एंड मेजरली अगर आपकी आईज यू नो अपलिफ्टेड फील करती हैं तो योर फेस नेचुरली फील्स वेरी इलोंगेटेड एंड यू नो अपलिफ्टेड. नॉर्मली अपलिफ्टमेंट लोग बोटॉक्स एंड यू नो फिलर इंजेक्शन लगवा के करते हैं बट आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस ट्रिक to uplift your eye area. And especially as you can see I am actually wearing this foxy eye makeup right now and main yahi kahungi ki ye makeup best lagta hai if you have done something like a ponytail or a high bun. Usme ye aur zyada ek acha upliftment look deta because this area you know gets stretched when you do the pony or a high bun. एंड खुले वालों में भी अच्छा लगता है एंड बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने कैंस रेड कार्पेट में एंड बहुत सारे आई थिंक इवेंट्स में ये जो है फ्लॉन्ट किया है मेकअप. एंड जो इसकी स्पेशल बात है कि ये एरिया इतना अपलिफ्टेड लगता है एंड स्पेशली ये बहुत नेचुरल लुकिंग है. आप जैसे देख सकते हैं नॉट टू मच ऑफ आई मेकअप ऑन माई आई बट स्टिल यू नो माई आई लुक्स वेरी नाइस एंड आई जस्ट लव दिस लुक एंड आई कांट वेट टू शेयर इट विद यू गाइज. सो चलिए फटाफट से विदाउट इट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं ये ट्यूटोरियल. लेट्स स्टार्ट विद द फॉक्सी आई मेकअप ट्यूटोरियल. एंड इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू रिक्वायर इज दिस सेलो टेप. दिस सेलो टेप, यस गाइज, बिकॉज आपको जो यहाँ पे एक यू नो अपलिफ्टमेंट दिखाना है, दैट आर्क दिखाना है ऑफ योर आई, इट शुड बी हाई अबव. एंड उसके लिए अगर यू नो इफ यू आर यूजिंग टेप वो आपको एक क्लीन लुक देता है. सो लेट्स टेक द टेप. सो मेक श्योर जो आप टेप हैं जहाँ आपका आईब्रो एंड होता है एंड दिस आई एरिया एंड्स यहाँ पे लगाना है ताकि एक ब्यूटिफुल आर्क क्रिएट हो जिससे कि आपकी आईज जो है वो थोड़ी इलोंगेटेड लगे. सो आई हैव स्टिक द टेप ओवर हियर. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, आई एम स्टार्टिंग विद द लाइट कलर एंड मैं पैलेट यूज कर रही हूँ इन कलर का. एंड ये पैलेट में सबसे जो लाइट शेड है आई विल यूज दिस वन जस्ट टू ब्राइटन अप माई आई फर्स्ट. सो पूरे एरिया को आई ट्राई टू ब्राइटन अप. नेक्स्ट हम उससे थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे विच इज दिस कलर एंड एक लाइन क्रिएट करेंगे. इट शुड नॉट बी वेरी डार्क गाइज, डार्क से लाइट होना चाहिए. सो आप इसको आउटर वर्ड मोशन में कलर को स्प्रेड करना, नॉट इनवर्ड. ऑलवेज डू इट आउटवर्ड. मोर ऑफ कलर दिस आई विल यूज. नाउ गाइज, हमें थोड़ा सा उससे भी डार्क शेड लेना है. सो आप लाइट से बिल्कुल डार्क शेड तक जाते रहेंगे. सो इसके बाद जो नेक्स्ट शेड आई हैव द डार्केस्ट वन इज दिस. एंड गाइज, इस बार जो लगाना है मेक श्योर कि आप बिल्कुल एंड तक नहीं लगा रहे इसको. यहाँ पे वील टेक इट फ्रॉम हेयर सेंटर क्योंकि अब हमें बिल्कुल एंड पे लाइट चाहिए. एंड जैसे जैसे ये आई के क्लोज आ रहा है कलर, दिस विल बिकम मोर डार्क सो दैट जो इलोंगेटेड लुक आप दे रहे हैं आई को वो नेचुरल लगे. इट शुड नॉट बी लाइक आपने बहुत सारा मेकअप अप्लाई कर रखा है अपनी आई पे. सो आई एम यूजिंग मोर ऑफ दिस डार्क कलर
and then doing the same, bringing it close to my eye this time. अब जब डार्क कलर यूज कर रहे तो इनवर्ड मोशन होगा, आउटवर्ड नहीं. सो दिस मेक इट मोर डार्क. नाउ आई एम टेकिंग द डार्केस्ट कलर विच इज दिस डार्क ब्राउन ऑफ माई पैलेट एंड अगेन ब्रिंगिंग इट इनवर्ड एंड ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर the eye area, but not too much guys, क्योंकि फिर smoky eye look लगता है, जो कि हमें करना नहीं है. So अब ये जो crease line है ये complete हो गई है, जो हमने ये liner create किया है. तो let's see कैसा create हुआ है. It looks amazing guys, can you see कितना sharp look create हुआ है and literally आपकी eyes को एक lift दे रहा है, जो कि I think एक surgery भी आपको बहुत time की और effort के और you know expensive पड़ने के बाद देती है. And suddenly your this eye is looking too uplifted as compared to this eye. अगर आप मेरी compare करें, ये eye थोड़ी droopy लग रही है if you see this portion, पर अगर आप इस portion को देखेंगे कितना uplifted लग रहा है. सो इट लुक्स वेरी वेरी नाइस और एक आईज को शेप भी मिल रहा है. एंड अभी आगे यू नो यू हैव टू इलोंगेट योर आईज फ्रॉम हेयर ऑल्सो, बट दिस पोर्शन इज लुकिंग वेरी शार्प. सो लेट्स स्टार्ट विद द इनर आई ऑल्सो. गाइज इनर आई को इलोंगेटेड लुक देने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्रश एंड ब्लैक कलर में यूज करूंगी फ्रॉम द पैलेट. बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, जस्ट अ लिटिल बिट. अपनी आई लाइन के बिल्कुल क्लोज रहना है ताकि बहुत ज्यादा ना लगे एंड मेक इट लुक लिटिल शार्प. इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आप ब्रश यूज कर रहे हैं दैट्स नॉट दैट वाइड. जो उसके शार्प एजेस हैं उनको मैं स्मज ऑफ कर दूंगी. सो कैन यू सी द इलोंगेटेड लुक फ्रॉम हेयर. सेम आपको अपनी जो ऊपर वॉटर लाइन है उसको डार्क कर देना है. इसमें हम काजल नहीं लगाएंगे ना ही आईलाइनर लगाएंगे, बट स्टिल इट विल गिव अस द वेरी डिफाइंड लुक. एंड मेक श्योर कि आप अपनी पूरी आई को इस ब्लैक से नहीं कवर कर रहे हैं, अदरवाइज यू नो फिर वो काजल वाला लुक आएगा. सो जस्ट स्मज इट अ बिट. लाइक दिस. कैन यू सी द डिफरेंस. ये आई कितनी इलोंगेटेड लग रही है एंड दिस आई कंपेयर टू दिस आई लुक्स वेरी स्मॉल. नेक्स्ट स्टेप है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज टू यू नो डार्किन योर आई लैशेज एंड टू मेक इट लुक मोर हैवी. इसके लिए पहले आप अपने आई लैशेज को कर्ल अप कर ले. मेक श्योर जब आप इस लुक के लिए यूज कर रहे हैं मस्कारा, एंड मस्कारा जो है वो बिल्कुल एंड में आप जो है वो ज्यादा लगाएंगे ताकि ये जो पोर्शन है दैट लुक्स मोर हैवी. सो आई एम यूजिंग द मेबलिन हाइपर कर्ल लैश मस्कारा फॉर दिस वन. सो एंड में मस्कारा को ज्यादा यूज कर रही हूं. रादर देन इनर साइड पे, बिकॉज आई वॉन्ट कि वो जो एंड में है दैट विल लुक हैवी. आई वुड से 2-3 कोट्स ऑफ मस्कारा इज गुड इनफ, नॉट मोर देन दैट. अब चाहे तो फेक आई लैशेज भी यूज कर सकते हैं, बट इफ यू वॉन्ट दैट नेचुरल लुक इट्स बेटर टू गो फॉर द मस्कारा ओनली, not the fake eyelashes. So can you see कितना brighten up लग रहा है यहां से look, and यहां से देखिए.
सो लेट मी क्रिएट द सेम लुक ऑन यू। ये था मेरा फॉक्सी आई मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल मेकअप अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल के। एंड ऑल्सो प्लीज 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 कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो और क्या शेयर करूँ। आई हैव सम आइडियाज ऑन माई माइंड एक्चुअली कि मैं आपके साथ अगला क्या शेयर करने वाली हूँ। एंड डेफिनेटली आई एम टू एक्साइटेड टू सी योर रिस्पॉन्स ऑन माई इंस्टाग्राम पेज दैट इज सुश शॉप। अगेन जो भूल गए हैं उनको मैं दोबारा याद दिला रही हूँ। सो सुश शॉप पे प्लीज जाना मत भूलिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर छोड़ूंगी। एंड प्लीज उसे क्लिक करिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक करिए, उसको फॉलो करिए एंड प्लीज डू शेयर इट। एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड अमेजिंग वेराइटी ऑफ साड़ीज, लहंगाज एंड सूट्स ओवर देयर एंड देयर आर एक्सेसरीज एज वेल। सो गाइज यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।